भारत के जम्मू कश्मीर में हवा में उड़ते कश्मीरी जो हिंदुस्तान की खाकर उसी ताकत से पत्थर फेंकने की कलाबाजी करते हैं, उन्हें पड़ोसी देश के उस हिस्से को भी देख लेना चाहिए जिसे वह पीओके कहता है। हालत यह है कि पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुदा बनने का ढोंग करता है, उसने पीओके के मुसलमानों की लंगोटी तक उतार ली है। इमरान खान ने पूरे देश पर जो टैक्स का घड़ा रखा है उसके बोझ से पीओके के लोगों को सुसु करने के लिए सामान भी नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि इस वक्त इन लोगों के सामने फांके मारने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान के इस गुलाम कश्मीर में लोग महंगाई दर में लगातार वृद्धि और इस्लामाबाद द्वारा लगाए गए उच्च कर के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सरकार इनसे भारी टैक्स तो वसूल करती ही है, मगर इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीओके के लोग अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान पर उनकी दुर्दशा के प्रति उदासीन होने और समृद्धि लाने के लंबे दावे करने का आरोप लगाया है। उनका यह भी आरोप है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान बदलने के बहाने लोगों का जीवन बदतर बना दिया है। ईंधन, भोजन और परिवहन लागत में हुई बढ़ोतरी ने इस क्षेत्र के लोगों के घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है। पीओके में महंगाई का असर यह है कि कुछ महीने पहले तक 90 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पेट्रोल अब 160 रुपए के पास पहुंच गया है। आटे का पैकेट जो पहले 900 रुपए का आता था वह अब 1250 रुपए हो गया है। चीनी के दाम 60 रुपए किलो से 120 रुपए हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक है जो 9.41% है, और यह इस बात का संकेत भी है कि पीओके पर केवल अभी शुरुआती मार है। आने वाले दिनों में इनके हाथ दुआ के लिए उठने लायक भी नहीं रहेंगे। पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान पीओके से भारी भरकम टैक्स की वसूली तो कर रहा है, मगर इस हिस्से में रोजगार के कोई भी अवसर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अभी भी पर्याप्त संख्या में सड़कें नहीं है, जिससे यहाँ पर्यटक भी आने से गुरेज करते हैं। ऊपर से इस क्षेत्र में जगह जगह खुले टेरर कैंप ने इन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारत के हिस्से में भारतीयों के टैक्स से मजे मार रहे कश्मीरी भारत पर ही पत्थर बरसा रहे हैं। शायद यह इसलिए ऐसा कर पाते हैं कि इन्हें मुफ्त की रोटी तोड़ने को मिल रही है। कमाल की बात देखिए, भारतीय कश्मीरी मुसलमानों में 72% परिवारों में से कोई एक सदस्य सरकारी नौकरी में है, जबकि पीओके के लोगों में ऐसे बामुश्किल 5% परिवार हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। शायद उन लोगों के गरीब होने की भी यह एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान द्वारा महीने में 50,000 तक की सेल करने वाले छोटे दुकानदारों को भी टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। अब अगर कोई क्रेता दुकान से सामान खरीदेगा तो उसे अपनी आईडी दिखानी होगी। मतलब कंगाल मुल्क की कंगाल जनता के हाथ में थमे कटोरे से लोहा और एल्यूमिनियम अलग करने पर काम चल रहा है। पाकिस्तान की सेना से पीड़ित पीओके में महंगाई की मार ने इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए एकजुट कर दिया है। पिछले दिनों हुए उग्र आंदोलन में गो आर्मी के नारों ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। भारत के कश्मीर का उदाहरण देकर यह लोग पाकिस्तान से हिसाब मांग रहे हैं। इन लोगों का तर्क है कि पिछले 70 सालों में भारत ने अपने हिस्से का जितना विकास किया उसके मुकाबले पीओके में 10% भी काम नहीं हो पाया। जितनी सुविधाएं भारत के कश्मीरियों को हिंदुस्तान सरकार दे रही है, ऐसी एक भी सुविधा पीओके के लोगों को मयसर नहीं है। पर ये पाकिस्तान है, ये वो मुल्क है जिसके हिस्से के कश्मीरी लंगोटी पहने कछुए की पीठ पर सवार हैं। पर यह चाहता है पूरा कश्मीर उसे मिल जाए, यानी दुकान करे पकोड़ों की, बात करे करोड़ों की। जो मुल्क पीओके में इंटरनेट कनेक्टिविटी आज तक पूरी तरह तैयार नहीं कर सका, 100 ढंग की बसें जिसने आज तक पीओके को नहीं दी, जहां 50 किलोमीटर की औसतन दूरी पर बैंक की शाखा है, जहां 40 किलोमीटर पर मदरसे मिलते हैं, उसका सर्वे सर्वा कटोरा उठाए भारत से कश्मीर मांगने के लिए सजदा कर रहा है। पर यह भारत का लोकतंत्र है जो वह अपने भाग के कश्मीरियों की तशरीफ नहीं बजा रहा है, वरना जिस तरह की हरकतें इन्होंने की है वह अक्षम्य है। मगर बावजूद इसके इन्हें पड़ोस के कश्मीरियों की दुर्दशा दिखाई नहीं देती। जिस दिन इन्होंने खुली आंखों से पीओके के कश्मीरियों की तशरीफ देख ली, उसके बाद ये कभी नहीं कहेंगे गो इंडिया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।